हाय गाइस, तो आज से हम एक न्यू सीरीज़ लॉन्च कर रहे हैं जिसका मतलब जो मेन क्राइटेरिया रहेगा वो रहेगा कि आप सभी का जितना भी प्रॉब्लम्स हो या फिर जो कॉमन मिस्टेक्स जो आप कर सकते हो इस क्लास 12 के प्रिपरेशन के दौरान, उन सब प्रॉब्लम्स को, उन सब मिस्टेक्स को मैं आपको पहले से बता कर रखूँगा, ऐसे ही वीडियोज़ बनाकर, ऐसे डिस्कशन वीडियोज़ बनाकर। जो वीडियो एकदम छोटा होगा, एक मिनट या डेढ़ मिनट का होगा, उसमें कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम या फिर ऐसा कुछ लिखा होगा, मतलब ऐसा कुछ मैं बोलने वाला हूँ आपको जो आप प्रॉब्लम कर सकते हो ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन टाइम। तो आज का जो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो मुझे मिला है काफ़ी सारे स्टूडेंट में से, जो कि है कि आप सब इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उसको उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, बाकी सारे जितने भी सब्जेक्ट्स है उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम दे रहे हो, इंग्लिश को थोड़ा कम पढ़ रहे हो। तो देखो, अगर आपको इंग्लिश पढ़ना है मैं पढ़ा दूंगा, वो सब चीज़ें ठीक है, लेकिन अगर मैं कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग एक काम कर सकते हो, आपका जो टेक्स्ट बुक है उसको आप बार बार से रीड कर सकते हो, और जो ग्रामर सेक्शन है जो आपने पहले सिखा है, जो आपने क्लास 10 में ग्रामर किया है, उन लोगों को फिर से रिपीट करना चाहिए आपको, क्योंकि आपको भी पता है सिलेबस लगभग सेम रहता है। तो अगर आप इंग्लिश को थोड़ा कम पढ़ रहे हो तो ये आपका गलती हो रहा है, क्योंकि बाद में जाकर जब परसेंटेज की बात आएगा, जब आपको परसेंटेज कैलकुलेशन होगा, तो इंग्लिश को मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है ड्यूरिंग परसेंटेज। जो लोगों को स्टैंड मिलता है, जिन लोगों को मतलब स्टैंड वगैरह मिलता है, उन लोगों के लिए मतलब ये जो इंग्लिश और ऑल्टरनेटिव इंग्लिश जैसा सब्जेक्ट वो काफ़ी महीने रखता है। तो प्लीज़ आप भी इंग्लिश को इम्पोर्टेंट लीजिए और बाकी सारे सब्जेक्ट की तरह इंग्लिश को इम्पोर्टेंट मानकर पढ़िए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि सबको वीडियोस वगैरह मिलता रहे। थैंक यू।